सलाह आइडिया देखकर आप लोगों को खान जीएस में पढ़ने की प्रेरणा किसने दिया? करा यूट्यूब यूट्यूब दिया? आपका रूम पार्टनर यूट्यूब या आपके बड़े भैया भाभी लोग, ये लोग कुछ ना कुछ बताए हो? सब लोग कोई ना कोई बताओ, लेकिन शिक्षा कौन दे रहा है? आओ उधर करा सो यूट्यूब, समझ आ गया कि नहीं? कोरोना लॉकडाउन नहीं रहा, हमको बहुत से लोग इवन जानते हो मेरा रियल में हम खान सर है ही नहीं यार, मेरा खान सर नाम न है। सुन सुन, तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना, तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहाँ के टीचर जो थे, मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास, सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास आए, वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर, मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सबको तुरंत क्लास ले लिया गया, भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहां से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा सर। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा का मतलब इस, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को, कोई बात नहीं। ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है तो उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। हाँ